तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं एसएससी और बैंकिंग में जनरल इंग्लिश के सिनोनिम्स पार्ट से जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में, और हम सी से जो भी वर्ड्स बनते हैं और उनके जो भी सिनोनिम्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही जो वर्ड्स बच गए थे जो हम बाकी वीडियोज़ में जो नहीं कर पाए थे उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, और आज का हमारा जो वर्ड है वो है कंट्रोवर्सी। इसका ये एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग है विवाद। और अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स को। तो एक ये है आर्ग्यूमेंट, डिबेट, डिस्प्यूट, क्वारल, बिकरिंग, डिफरेंस, डिस्कशन, फ्यूस, देन है एस्क्वाबल, स्ट्राइफ, उसके बाद है रैंगल, रैंगलिंग, देन आगे है इसमें अल्टरकेशन, ब्रश, कॉन्टेंशन, डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेशन, एंड आगे है इसी में एम्ब्रॉयलमेंट, देन है फ्लैग, आगे है इसमें हुर्रा, उसके बाद है मिफ। आगे देखते हैं, इसी में आगे है पॉलेमिक, रो, देन है रम्पसप, रम्पस, उसके बाद है सीन, स्क्रैप, टिफ, वर्ड्स, डिसेंशन, फॉलिंग आउट, देन है फाइट। आगे है इसमें हैसल, इम्ब्रोग्लियो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इम्ब्रोग्लियो, देन है किक अप, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है रूबार्ब, आगे है इसमें सेट टू, नेक्स्ट है स्पैट। आगे देखते हैं, और तो ये था हमारा कंट्रोवर्सी का सिनोनिम्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्वीनियंस। और कॉन्वीनियंस एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग है आराम या सुविधा। कन्वीनियंस के सिनोनिम्स हैं एडवांटेज, सर्विस, अप्लायंस, कंफर्ट, एसेसिबिलिटी, एड, एमेनिटी, देन है असिस्टेंस, बेनिफिट, ईज। इसी में आगे है इन्जॉयमेंट, फैसिलिटी, लग्जरी, रिलीफ, सेटिस्फैक्शन, एसेसरी, नेक्स्ट है एडवांसमेंट, एकोमोडेशन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एकोमोडेशन, देन है इसमें एग्रीएबलनेस, नेक्स्ट है इसमें अप्रोप्रिएटनेस। आगे देखते हैं, इसी में आगे है अवेल, देन है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉपरेशन, डिसेंसी, नेक्स्ट है इसमें फिटनेस, फर्दरनेस, हैंडीनेस, हेल्प, देन है लाइफ, आगे है इसमें मीन्स, नेक्स्ट है इसमें मिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री, ओपननेस, अपॉर्चुननेस, देन है प्रोमोशन, रिसेप्टिवनेस, देन है सर्विसेबिलिटी, देन है सुकौर, देन है स्यूकौर, आगे है इसमें सुटेबिलिटी। इसी में आगे है सुटेबलनेस, सपोर्ट, यूज, यूटिलिटी, टाइम सेवर, बोनस, एक्स्ट्रा, प्लेजर, डिलाइट, एनोडाइन, देन है सोलेस, अगला है इसमें इंडलजेंस। तो ये था कन्वीनियंस का सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉपी। और कॉपी एक नाउन है, कॉपी जो वर्ड है वो नाउन है, और इसका हिंदी मीनिंग है प्रतिलिपि। तो इसके सिनोनिम्स हैं डुप्लीकेट, पैटर्न, फोटो स्टेट्स, जेरोक्स, इमेज, मॉडल, प्रिंट, पोर्ट्रेट, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ, देन है इसमें रेप्लिका, अगला है रिप्रोडक्शन, टाइप, ट्रांसक्रिप्ट, आगे इसमें आर्कटाइप, कार्बन, कास्ट, क्लोन, काउंटरफिट, नेक्स्ट है इसमें काउंटर पार्ट। आगे देखते हैं, इसी में है
डिट्टो, इफिजी, इर्सैड्स, देन है फैसिमाइल, आगे है इसमें फॉरगेरी, इम्पर्सोनेशन, नेक्स्ट है इसमें इम्पर्सन, इम्प्रिंट, लाइकनेस, माइक्रोफिच, नेक्स्ट है मेमोग्राफ, मिनिएचर, मिरर, ऑफ प्रिंट, आगे है इसमें पैरेलल, रिफ्लेक्शन, देन है रेप्लिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रिंट, देन है रबिंग्स, आगे है इसमें सिमिलैरिटी, सिमुलेक्रम, नेक्स्ट है सिमुलेशन, अगला है इसमें स्टडी, देन ड्रेसिंग, ट्रांसक्रिप्शन, कार्बन कॉपी, एक टाइप, देन है हार्ड कॉपी, इमिटेट, नेक्स्ट है इसमें फॉलो, आपे, इको, इम्यूलेट, देन है डमी, ड्यूप, इमिटेशन, मॉक, रीडुप्लीकेशन, आगे है इसमें फेक। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है फॉरगेरी, नॉक ऑफ, फोनी, देन है रिप ऑफ, रबर, स्टैम्प, देन आता है इसमें शैम, मॉकअप, रिकंस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन, इसी में आगे है सेम्ब्लेंस, देन है शेडो, अप्रॉक्सीमेशन, अगला है इसमें रीइंकार्नेशन, अगला है वर्जन, देन एक्स्ट्रा, नेक्स्ट है इसमें रिजर्व और आगे है और लास्ट है स्पेयर। तो ये था कॉपी का सिनोनिम्स, कॉपी वर्ड का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा करेजियस और ये एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग होता है साहसी या निडर, जो ना डरने वाला हो। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, ये है ब्रेव, हीरोइक, लायन हार्टेड, हाई हार्टेड, ग्रेट हार्टेड, एडवेंचरस, देन है ऑडेसियस, डेयरिंग, फियरलेस, गैलेंट, आगे है गटी, रिजोल्यूट, स्ट्रॉन्ग, टिनेसियस, नेक्स्ट है टफ, ट्रोजन, एडवेंचरसम, आगे है इसमें अस्योर्ड, कूल, देन है डेयरडेविल, इसी में आगे है डॉन्टलेस, डॉटी, फायरी, फायर ईटिंग, नेक्स्ट है इसमें गेम, देन ग्रिटी, हार्डी, हाई स्प्रिटेड, इम्पैविड, नेक्स्ट है इसमें इंडोमिटेबल, अगला है इंटरपिड, नेक्स्ट है नर्वी, अगला है प्लकी, रेड ब्लडेड, स्पार्टन, देन है स्टालवार्ट, स्टैंड टॉल, स्टाउट हार्टेड, अनफ्रेड, आगे है इसमें अनडाउंटेड। आगे देखते हैं, इसी में आगे है वेलोरस, वेंचरसम, स्टॉट, अनडाउटेबल, डिटरमाइंड, देन है फर्म, अगला है इसमें गेमी, अनसर्विंग, देन है अनफ्लिंचिंग, नेक्स्ट है इसमें एनिसमैड, देन है मेटलसम, देन नेक्स्ट है स्प्रिटेड, स्पंकी, डैशिंग, नेक्स्ट है इसमें हार्डी, क्रेजी, फुलिश, हाफ विटेड, नेक्स्ट है इसमें इनसेन और अगला है ल्यूनेटिक, आगे है इसी में मैड, देन है नटी, आगे है ब्रैश, देन ब्रैजन, नेक्स्ट है इसमें फुल हार्डी, हेडलेस, देन है रैश, अगला है इसमें रेस्कलेस, देन है इनकरेज्ड। तो ये था करेजियस का सिनोनिम्स और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्टियस, एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग है विनम्र या दयालु। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, ये है अटेंटिव,
पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, अर्बेन, देन है सिविल, एफेबल, डिफरेंशियल, सिविलाइज्ड, देन है कंसिडरेट, कॉर्टली, आगे है इसमें ग्रेसियस, वेल मैनर्ड, सॉफ्ट स्पोकन, थॉटफुल, देन है वेल बिहेव्ड, अगला है इसमें वेल स्पोकन, देन है सेरेमोनियस, कॉम्प्लेजेंट, देन है आगे इसमें कल्टिवेटेड, नेक्स्ट है इसमें डेबोनेयर। आगे देखते हैं, इसी में आगे है एलिगेंट, गैलेंट, जेंटिल, देन है पॉलिश्ड, रिफाइंड, अगला है इसमें सौव्य, वेल ब्रेड, नेक्स्ट है मैनरली, देन केयरफुली, केयरफुल, अगला है इसमें नाइस, नेक्स्ट है सॉलिसिटस, अगला है इसमें चिवाइलरस, लेडी लाइक, देन जेंटलमैन लाइक, जेंटलमैनली, देन है सेरेमोनियल, रेड कारपेट, कॉथ, अगला है इसमें फॉर्मल, देन है स्मॉथ। इसी में आगे है अंकटोस, देन है इसमें ड्यूटीफुल, सबमिसिव, यील्डिंग, देन है एक्सेप्टेबल, एप्रोप्रिएट, बिकमिंग, बीफिटिंग, अगला है इसमें करेक्ट, देन है डिसेंट। इसी में आगे है डिकोरस, फिट, फिटिंग, गुड, आगे है इसमें मीट, नेक्स्ट है कॉर्डियल, फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल, प्लीजेंट, सोशिएबल। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आगे है फेलिसिटस, ग्रेसफुल, डिम्योर, हम्बल, मीक, नेक्स्ट है मॉडेस्ट, एंड अगला है अनअसर्टिव। तो ये था हमारा कॉर्टियस का सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्डिस, और कॉर्डिस एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कायरता, या जो कायर लोग होते हैं, डरपोक टाइप के लोग होते हैं, दब्बू किस्म के लोग, उसके लिए कॉर्डिस वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसके सिनोनिम्स को हैं देखें तो ये ऐसे हैं, फेंट हार्टेड, फियरफुलनेस, गटलेसनेस, देन है इसमें प्यूसिलैनिमिटी, ठीक है, ये है प्यूसिलैनिमिटी। नेक्स्ट है इसमें कोल्ड फीट, अगला है इसमें मॉसीनेस, विम्पीनेस, टिमिडिटी, देन है कवर्डलीनेस है ये। नेक्स्ट है इसमें क्रैवनेस, फियर, फंक, डस्टरलीनेस, अगला है इसमें पल्ट्रूनेरिंग, नेक्स्ट है इसमें स्पाइनलेसनेस, आगे है डिफिडेंस, नेक्स्ट है वेरीनेस, टिमोरसनेस, आगे है केयरफुलनेस, देन है कॉशसनेस। आगे देखते हैं, इसी में नेक्स्ट है बैशफुलनेस, शाइनेस, फेबलनेस, नेक्स्ट है सॉफ्टनेस, वीकनेस, देन आता है फेंट हार्टेडनेस। तो ये था हमारा कॉर्डिस का सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबल, और क्रेडिबल एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी में मीनिंग है विश्वसनीय। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स को, और इसके सिनोनिम्स हैं बिलीवेबल, रीजनेबल, लायबल, देन है सिंसियर, कॉन्सीवेबल, कॉन्क्लूसिव, क्रेडिटेबल, अगला है इसमें डिपेंडेबल, गुड फेथ, नेक्स्ट है इसमें ऑनेस्ट, अगला है इसमें प्लॉसिबल, रैशनल, रिलायबल। इसी में आ गया सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग, सॉलिड, ट्रस्टवर्दी, आगे है इसमें वैलिड, एवर बोर्ड, देन है कलरेबल।
आगे देखते हैं। अगला है इसमें डिटर्मिनेटिव, ऑनेस्ट टू गॉड, इमेजिनेबल, देन है लाइकली, पॉसिबल, प्रोबेबल, देन है सीमिंग, साउंड, स्ट्रेट, टीनेबल, सपोजेबल, थिंकेबल, ट्रस्टी, अपफ्रंट, देन है प्रिजम्प्टिव। नेक्स्ट है इसमें कॉजेंट, फोर्सफुल, ऑनेस्ट टू गॉडनेस। नेक्स्ट है इसमें कॉम्पेलिंग, आगे है इफेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, और इसी में आगे है परसुएसिव, स्ट्रॉन्ग, देन है टेलिंग, कॉजिटेबल। अगला है इसमें सोफेस्टिक, सोफेस्टिकल, और आखिरी है इसका स्पेसियस। तो ये था क्रेडिबल का सिनोनिम्स। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और 29वां नंबर, ये है क्रेडुलस, और इसका, और ये एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी में मीनिंग है सहज, विश्वास करने योग्य। ठीक है, अब देखते हैं इसको सिमिलर वर्ड्स को। ये है ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकल, वाइड आइड, एक्सेप्टिंग, बिलीविंग, बॉर्न यस्टरडे, देन है ड्यूपेबल, इजी मार्क, फॉलिंग फॉर, ग्रीन, इसी में आगे है सिंपल, ओवर ट्रस्टिंग, स्वैलो होल, देन है टेकन इन। नेक्स्ट है इसमें ट्रस्टफुल, अनक्वेश्चनिंग, अनसोफिस्टिकेटेड, देन है अनसस्पेक्टिंग, आगे है अनसस्पीसियस, और नेक्स्ट है अनवेरी। आगे देखते हैं, आगे है इसमें गुलेबल, देन है सस्पेक्टेबल, अनगार्डेड, और सक्स, देन है डिवी आइड, देन है इंजेनियस, आगे है इसमें इनोसेंट, नेक्स्ट है नेव, अगला है नेव, प्रिमिटिव, सिंपल माइंडेड, अननोइंग, देन है अनवर्डली, अगला है इसमें कैलो, चाइल्डिश, इमेच्योर, देन है रॉ, उसके आगे है इसमें चाइल्ड लाइक, अगला है इसमें आइडियलिस्टिक। तो ये था क्रेडुलस का सिनोनिम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल, और क्रिटिकल एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग है चतुर या गुणदोष या विवेचक। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, ये है क्रूशियल, अर्जेंट, वाइटल, डिमांडिंग, एनालिटिकल, बेलिट्रिंग, अगला है इसमें बीटिंग, कैप्सियस, कैरपिंग, कैविलिंग, नेक्स्ट है इसमें कलमनिएटरी, कैविलस, देन है सेंसोरियस, अगला है सेंसरिंग, क्रिटिक, नेक्स्ट है कटिंग, काइनिकल, डिमीनिंग, नेक्स्ट है डेरोगेटरी, अगला है इसमें डायग्नोस्टिक। आगे देखते हैं, इसी में आगे है डिसअप्रूविंग, एग्जैक्टिंग, एक्सेप्टिव, देन है फिनिकी, फिनिकल, फ्यूसी, हेयर स्प्लिटिंग, देन है हम्बलिंग, हाइपरक्रिटिकल, देन है हेयर स्प्लिटिंग, नेक्स्ट है हम्बलिंग, हाइपरक्रिटिकल, लोअरिंग, इसी में आगे है नैगिंग, निगलिंग, निट पिकिंग, आगे है ओवर क्रिटिकल, पार्टिकुलर, देन है पेनिट्रेटिंग, रिप्रोचफुल, सरकास्टिक, सेट्रिकल, देन है स्कॉल्डिंग। आगे है इसमें सीवियर, शार्प, ट्रेंचेंट, विदरिंग, देन है फॉल्ट फाइंडिंग, हाइपरक्रिटिकल, जजमेंटल, रिजेक्टिव,
देन है जूलियस फैस्टिडियस, आगे है इसमें पेटीफॉगिंग, देन है क्विबलिंग, हार्श, मर्सीलेस, अनचैरिटेबल, देन है अनफॉरगिविंग। तो ये था क्रिटिकल का सिनोनिम्स। आगे देखते हैं हम, अगला वर्ड है क्रूएल, और ये एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग है क्रूर या निष्ठुर। अब देखते हैं हम इसके सिनोनिम्स। तो ये है ब्रूटल, फायरसी, फिरोसियस, मर्डरस, सेवेज, इनह्यूमेन, इनह्यूमेन, देन है बारबेरिक, बारबेरस, ब्रूटिश, एट्रोसियस, बिटर, कॉलस, देन है कोल्ड ब्लडेड, एविल, हार्श, हेटफुल, अगला है इसमें हार्टलेस, नेक्स्ट है मर्सीलेस, और इसके आगे है पेनफुल। आगे देखते हैं, इसी में आगे है रिलेंटलेस, रूथलेस, सैडिस्टिक, स्पाइटफुल, टायरनिकल, देन है अनकाइंड, विशियस, विक्ड, बेस्टियल, ब्लड थर्स्टी। आगे है इसमें डीजेनरेट, डोमैनिक, डोमैनिक, देन है डिप्रेव्ड, अगला है इसमें ये है एक्सक्रूसिएटिंग, अगला है इसमें फ्लिंटी, देन है हार्ड, उसके बाद आता है इसमें हार्ड हार्टेड, हेलिश, देन है इम्प्लैकेबल, देन है इनएक्सोरेबल। आगे देखते हैं, और इसी में आगे है मैलेवोलेंट, मॉन्स्ट्रस, देन है पर्निशियस, पायोग्नेंट, रैंकोर्स, देन है रिवेंजफुल, सीनफुल, अनफीलिंग, अगला है इसमें अननेचुरल, अनरिलेंटिंग, अगला है इसी में वेंजीफुल, और लास्ट है विरुलेंट। तो ये था क्रूएल का सिनोनिम्स, और नेक्स्ट देखते हैं, और इस वीडियो का, और जो भी सी से जो वर्ड हम कर रहे थे उसका लास्ट है ये। तो अब ये है कस्टमर, और ये एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग है ग्राहक। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स, ये हैं बायर, क्लाइंट, कंज्यूमर, परचेसर, अगला इसमें शॉपर, पैट्रॉन, क्लाइंटेल, अगला है हैबिचू, देन है पंटर, एंड यूज़र, कोई भी चीज़ जब लास्ट उपभोक्ता के पास पहुंच जाता है, एंड यूज़र। इसी में आगे है रेगुलर, देन रेगुलर शॉपर, बायर ऑफ गुड्स, सर्विस, गेस्ट, यूज़र बायर, देन है अगला कॉरेस्पॉन्डेंट, वीडी, ब्राउज़र, प्रोस्पेक्ट, अगला इसमें विंडो शॉपर, देन बारगेनर, और लास्ट हगलर। तो ये था हमारा सी से जो भी वर्ड्स बनते हैं उसके सिनोनिम्स, और नेक्स्ट वीडियो में डी से जो वर्ड्स हैं उनके जो भी सिनोनिम्स बनते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच, और ये उम्मीद करते हैं हम कि आपके लिए हेल्पफुल हो, और आप इसमें आपके लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू सो